वन विभाग के द्वारा गत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किए गए वाइल्ड लाइफ वीक के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और बच्चों ने पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफी दिलचस्पी दिखाई है। प्रतियोगिता के विजेताओं को हमीरपुर वन अरण्यपाल कार्यालय में बच्चों को पुरस्कार बांटे गए, जिसमें वेबिनार के माध्यम से वन मंत्री राकेश पठानिया ने बच्चों को बधाई दी और पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर वन अरण्यपाल अनिल जोशी, DFO वाइल्ड लाइफ राहुल रोहन मौजूद रहे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी ऑनलाइन विजेता छात्रों को उपलब्धि पर बधाई दी। वन विभाग के द्वारा करवाई गई प्रतियोगिता में हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिला के बच्चों ने हिस्सा लिया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आयोजित हुई प्रतियोगिता में विजेता 5 मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में वन्य प्राणियों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए भी सभी से आह्वान किया गया। पुरस्कार मिलने वाले बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए वन्य जीव प्राणियों को बचाने का संदेश दिया और कहा कि सभी लोगों को वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। My name is Sakshi Anand and I am from the Magnet Public School, Hamirpur. I had participated in the contest regarding the protection of the wildlife. Now, I just want to give message that we should all protect our wildlife and only then we will be able to survive on this earth. नमस्कार, मैं सावित्री पब्लिक स्कूल से महविश। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जन जीवन को बचाना चाहिए, हमें सबको बचाना चाहिए। और मेरा नारा भी यही था कि जन जन को समझाना है, सबका जीवन बचाना है। सबका जीवन बचाओगे तो अपना जीवन पाओगे। तो हमें सभी जीव जंतुओं को बचाना चाहिए और अपने जंगलों और वन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये उजड़ गए ना तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़सर में पढ़ता हूँ। मैंने स्लोगन बनाया था, सबको है प्यार जान, फिर चाहे पशु हो या इंसान। हमें महोदय की तरफ से प्राइज मिला, हमको बहुत खुशी हो रही है। महोदय जी का धन्यवाद। आई एम फ्रॉम हिम्मत एडमी पब्लिक स्कूल, हीरा नगर, हमीरपुर। माई मैसेज इज टू सेव वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। थैंक यू। वन्य प्राणी चिकित्सक गोपालपुर चिड़ियाघर डॉक्टर बिपिन ने प्रशस्ति पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया के द्वारा इस काम को सराहा है और अवार्ड मिलने से और भी ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अपने कार्य को ठीक से करें। मैं डॉक्टर बिपिन, वन्य प्राणी चिकित्सक गोपालपुर जू। इस वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह 2020 में आज हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री साहब जी का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारे कार्य को सराहा, हमारे जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझा और हमें आज ये अप्रिसिएशन अवार्ड्स जो है मिला है वाइल्ड लाइफ वीक में अपने कार्यों के लिए। तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि आप अपने कार्य को समझें, अपने कार्य में जो भी आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कदम उठाने पड़े आप उनको बखूबी उठाएं और विभाग को सफल बनाने में मदद करें। धन्यवाद। वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि COVID-19 के चलते इस बार ऑनलाइन ही वन्य जीव प्राणी विभाग के द्वारा प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें अव्वल रहे छात्रों को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी ऑनलाइन जुड़कर बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया है। इस बार कोविड के चलते हुए वाइल्ड वीक सेलिब्रेशन जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर साल मनाई जाती है, इस बार ऑनलाइन इसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, स्लोगन राइटिंग्स, पेंटिंग और ऐसे राइटिंग्स। यहाँ पर जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इनके जो छात्र, इनको भी पूरा हिमाचल में जो जो स्थान मिला उनको यहाँ पर आज बुलाया गया। और माननीय वन मंत्री जो कि हमारे साथ चंबा वन मित्र कार्यालय से जुड़े थे और जिनकी अध्यक्षता में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन संपन्न हुआ, इन विद्यार्थियों को, जैसे मैंने बताया टोटल 6 विद्यार्थी है, इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर विपिन जो कि वाइल्ड लाइफ और जू मैनेजमेंट में जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय रही,
इन्हें भी स्पेशली अप्रिशिएट किया गया आज, और मिस्टर पीयूष वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन वाइल्ड लाइफ विभाग में, वन्य प्राणी विभाग में रही है, इन्हें भी आज स्पेशली जो है अप्रिशिएट किया गया। डीएफओ राहुल राजन ने बताया कि हमीरपुर में वन्य जीव प्राणी विभाग के द्वारा करवाई गई प्रतियोगिता में बच्चों ने दिलचस्पी दिखाते हुए काम किया है, जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के द्वारा गत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किए गए वाइल्ड लाइफ वीक के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और साथ में लगते हुए कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट लेवल कंपटीशन वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसमें विभिन्न जो कैटेगरीज है उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन संपन्न हुआ। माननीय वन मंत्री जी के अध्यक्षता में तो यहाँ पर हमीरपुर जो हमारी ये वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जो मनाया गया, जिसका थीम था कि सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, इस थीम के बेसिस पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करवाई गई, स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग, ऐसे कॉम्पिटिशन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो इसमें विभिन्न श्रेणी में अलग अलग हमीरपुर कांगड़ा और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो प्राइजेस हासिल किए हैं। तो इसी के साथ मैं वाइल्ड लाइफ वीक जो हमने यहाँ पर स्टेट लेवल पर मनाया गया था उसके उपलक्ष्य में सभी से अपील होगी हमारी कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, और उसी से हमारे नेचर की जो है वो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन होगी। इसलिए वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है और इसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने ऑनलाइन माध्यम से वन विभाग की टीम को बधाई दी और कहा कि इस तरह वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने पुरस्कार जीतने वाले छात्रों को भी बधाई दी। मैडम को और पीसीसी वाइल्ड लाइफ मैडम को कि आपकी टीम ने जो बहुत बढ़िया काम, स्पेशली आज क्योंकि पीसीसी वाइल्ड लाइफ का ये और उनकी टीम का दिन है, उनकी पूरी टीम को मैं दिल की गहराई से जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शाबाशी देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया काम, स्पेशली 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो हमने सप्ताह मनाया, दिस वॉज एन हिस्टोरिक वीक फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जो वेस्टर्न टेक्रोफैन का हमने पहली बार विश्व में, ये पहला समय है कि इन बर्ड्स को जो है वो जंगल में छोड़ा गया, विल्डरनेस में छोड़ा गया। मैडम आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ, वर्ल्ड में हुआ कि जब ये हमारा जो स्टेट बर्ड है इसको हमने ब्रीड करके इसको जंगल में छोड़ा, और वहां की जो पूरी टीम थी और आपकी डीएफओ के साथ जितनी टीम थी उनको भी हमने सरहान से जब उनको छोड़ा था तो हमने उन सबको बधाई दी थी। और आज उसके बाद हम पौंग डैम में कांगड़ा में हमने जो लास्ट डे अपना मनाया था, और आज बहुत ही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज पवन नेहरू जी के साथ मुझे आदरणीय विधायक चंपा के साथ और आदरणीय विधायक मेरे छोटे भाई जियालाल जी भरमौर से और हमारे डीएस ठाकुर जी, हमारे सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी चंपा के, हम सब लोग आज यहाँ पे चंपा में एक सामूहिक रूप से डिप्टी कमिश्नर चंपा के दफ्तर में बैठकर आपके साथ ये वीक का क्लोजिंग इन बच्चों के जिनको आज आपने इनाम दिया, उन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको जिन्होंने आज प्राइज लिए हैं। आप सब ऐसे ही लगे रहे हैं और इसी तरीके से